नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन व अपने आसपास की खास खबरें। तो बताते चले कि बेंगाबाद पुलिस जहां वाहन जांच के दौरान एक सातर अपराधी को गिरफ्तार किया है चोरी की बैग समेत। बताया जाता है सातिर अपराधी देवरी थाना क्षेत्र के नावाबांध गांव के सूरज राम उर्फ टिंकू राम है। इधर बेंगाबाद पुलिस ने बेंगाबाद के डाक बंगला स्थित एसआई वीके सिंह के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसे आज गिरिडीह जेल भेज दिया है। बताया जाता है अन्य कई मामलों में वांछित भी है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा और गिरफ्तार किया हुआ युवक साथी चोरी की बाइक समेत अपाची बाइक की दृश्य। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। सातिर अपराधी बाइक चोर सूरज राम उर्फ टिंकू राम डाक बंगला बेंगाबाद से हुआ गिरफ्तार। बताया जाता है सूरज राम उर्फ टिंकू राम देवरी थाना क्षेत्र के नावाबांध गांव का है। इधर पुलिस के द्वारा बताया गया कि कलकत्ता से चोरी कर अपाची बाइक ले जाकर के भाग रहा था। वाहन चेकिंग का दौरान बेंगाबाद पुलिस की नजर पड़ी और धर दबोचा। एसआई बीके सिंह ने इस मामले का उद्भेदन भी किया। बताया कि डाक बंगला बाजार स्थित सातिर अपराधी सूरज राम उर्फ टिंकू राम मिठाई खरीद रहा था, इसी दौरान एसआई बीके सिंह की नजर पड़ी और धर दबोचा। बताया जाता है अपाची बाइक समेत दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर सूरज राम और टिंकू राम को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया है। दीवागढ़ टीम थाना पदाधिकारी स्वामी विनोद कुमार सिंह तैनात थे तथा वो डकबंगा चौक पर मोटरसाइकिल चेकिंग कर रहे थे, वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के क्रम में एक मोटरसाइकिल को रोका गया। मोटरसाइकिल चालक अपना नाम वो बताया सूरज कुमार राम उर्फ टिंकू कुमार, नावाबांध थाना देवरी का रहने वाला था। उसके पास एक अपाची गाड़ी थी। अपाची गाड़ी पर नंबर वगैरह कुछ नहीं था और उसे जब पूछा गया कि गाड़ी के कागज कहाँ है तो गाड़ी के कागजात कुछ नहीं दिखाया और उसके द्वारा बताया गया कि यह गाड़ी बंगाल से लेकर के आ रहा हूँ। सखोरे पकड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह चोरी की मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। इसी बीच एक पिकअप वैन वाहन चेकिंग देखते ही, पुलिस गाड़ी को देखते ही अपना करीब 100 मीटर पहले ही पिकअप वैन अपना छोड़ के चालक भाग गया। पिकअप वैन पर पिकअप वैन का नंबर था पंजीयन संख्या था BR21G1343। इंजन नंबर और चेचिस नंबर उसमें खुर्चा हुआ था। चालक भाग्य उससे भी जब्त कर लिया गया। अपाची के चालक को अपाची के साथ गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पिकअप वैन में क्या लोड था सर? कुछ नहीं था, खाली था पिकअप वैन, खाली था। शक हुआ कि यह चोरी की ही गाड़ी है। वो देवघर साइड से आ रही थी। देवघर साइड की ओर से आ रही थी। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।